हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के एक और नई वीडियो में। तो चलो यार, सीधा इंट्रो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रो आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को। अभी मैं ऊपर रोड से सिलेंडर लेके आया नीचे, क्योंकि सिलेंडर की गाड़ी आई थी। प्रत्येक महीने गांव में आती है सिलेंडर की गाड़ी। और आज आप सभी को इस वीडियो में बस यही दिखने वाले हैं सुबह से लेकर शाम तक। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और अभी मैं हूँ अपने घर के छत पर, जहाँ पीछे आप सभी को दिख रहा होगा कद्दू का लगला है। तो अभी मैं वहीं ले जाऊँगा आप सभी को। और आज आप सभी को अभी से लेकर और शाम के 6 बजे तक आप सभी को हर मोमेंट दिखाऊंगा अपनी, और अपनी लाइफ स्टाइल दिखाऊंगा उस पहाड़ों में कि आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, दिनचर्या अपनी, मतलब जिसको बोलते हैं दिनचर्या में आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो सभी आप सभी को इस वीडियो में दिखने वाला है। तो यहाँ से अभी ऊपर की ओर चलते हैं। ये है हमारा छत और ये देखो, ये है हमारा खेत पूरा। बेसिकली हमारा खेत नहीं है, लेकिन हमारे गांव में किसी औरों का खेत है, तो हमारे ये घर के पीछे है ये खेत, तो वहीं चलते हैं आज, आपको ले जाएंगे। इसको बोलते हैं कद्दू। तो अभी मैं कद्दू के खेत में हूँ और आप सभी ने कद्दू तो देख लिया होगा मेरे पीछे, ये रहा यहाँ पे कद्दू। अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि पूरे खेत में झाड़ियाँ हैं, तो इनमें इससे हमको बचना पड़ेगा क्योंकि सांप वगैरह वगैरह भी हो सकते हैं उसमें। और इसी के साथ साथ अभी मैं आपको अपने घर के चौक में ले जाता हूँ, अपने घर के आंगन में, जिसको चौक बोलते हैं गढ़वाली में। तो अभी वहाँ का व्यू भी दिखाऊंगा, क्योंकि आजकल उसमें हमने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की डालें रखी हैं, तो उन डालों को भी आपको आज एक्सप्लोर करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा इस पूरे वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में। सो ये है हमारा आंगन, जिसे गढ़वाली में चौक बोलते हैं। ये बेसिकली घर के आगे का एरिया होता है और इसमें अभी दाल सुखाने के लिए रखी हुई है, और साथ ही चौक को गोबर और मिट्टी से लिपाई पुताई घसा हुआ है चौक को, ताकि जब भी हम बाद में इस दाल की कुठाई करें और पेड़ों से इसकी बीज अलग करें, फलियों से इसके बीज अलग करें, तो जो चौक के पत्थरों के बीच में खाली जगह होती है, तो उसके अंदर ये ना फंस जाए, और जब भी झाड़ू मारेंगे हम चौक में तो आसानी से दालों के बीज को सोर सकें और इकट्ठा कर सकें, जिसको गढ़वाली में सोर सके बोलते हैं, मतलब इकट्ठा करना। तो यही रीज़न होता है पहाड़ में चौक को मिट्टी और गोबर से उसकी लिपाई पुताई की जाती है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि मैं अपने गांव के खेतों में आ चुका हूँ, पूरे झाड़ी वाले रास्ते से होकर, और यहाँ का बस ऐसा ही रास्ता है, पूरी रास्ते के चारों ओर झाड़ियाँ ही हैं। और ये पीछे हैं हमारे पूरे खेत जहाँ से हम दालें लाए थे, ये हमारे पूरे खेत हैं जहाँ से हम दाल लाए थे। तो चलते हैं सीधा खेत में, आपको खेत का नज़ारा भी दिखाएंगे इस पूरी वीडियो में। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वो रास्ता अगर आपको दिखाऊंगा तो आप भी चौंक जाओगे, और मुझे यहाँ से संभल कर ओ भाई, तो यहाँ पर मैं नीचे गिर गया हूँ। आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ कि मेरा पैर कहाँ फंसा इस टाइम। देख सकते हो मेरा पाँव इस बेल पर फंस चुका है, और मैं यहाँ से होकर यहाँ से नीचे गिर गया हूँ, ये देखो। तो इतना तो चलता रहता है पहाड़ में। तो ये खेत में दालें हैं पूरे यहाँ से लेकर और उधर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी इस वीडियो में, वहाँ तक डाले हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक बार जूम कर लेता हूँ, वीडियो की क्वालिटी फट रही है तो अभी जूम नहीं करूँगा। तो ये डाले हैं और चलते हैं आगे आगे। ये देखो कैसा रास्ता है यहाँ, मतलब गाइस आप सोच सकते हो कि इसमें क्या क्या हो सकता है इसमें। इस वाले एरिया से हमने पूरी डाले निकाल ली है, और वही डाले घर में आपको देखने को मिलती है जो मैंने पीछे क्लिप्स में आपको दिखाई हैं। तो यहाँ पे अच्छा है, थोड़ा सा रास्ता जाने के लिए सेफ़ है, हालांकि उतना सेफ़ है नहीं ये रास्ता, पर चलने लायक तो होगा ही। फ्रंट कैमरा ओपन कर दिया है और सामने से पूरी धूप आंखों पे पड़ रही है, तो थोड़ा सा छाया की ओर चलते हैं जहाँ पर थोड़ी सी छाया होगी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे चलते हैं। तो जिस वाले खेत से मैं यहाँ पे आया हूँ वो हमारा दाल का खेत है पूरा, इसको उखड़ उखड़ बोलते हैं, मतलब यहाँ रुपाई नहीं होती, यहाँ पानी नहीं होता, तो इसलिए यहाँ
एक साल में कभी यहाँ गेहूँ बूनते हैं और कभी दाल लगा लेते हैं, ऐसे कोदा झंगोरा मंडवा ऐसे सब कुछ लगा देते हैं। इस साल मंडवा ये नहीं लगाया है, बस इस साल झंगोरा बूता है और उसके साथ साथ दालें लगाई हुई हैं खेत में। और आज हमारी बांदर भगाने की बारी है, मतलब गांव के सारे लोग मिलकर एक दिन में दो दो लोग मिलकर दो दो परिवार मिलकर बंदरों को खेतों से भगाते हैं। तो आज हमारी ड्यूटी लगी हुई है खेत में। और कमाल की बात ये बताऊं, आज हमारी बारी थी तो आज बंदर भी आए नहीं है, तो मैं इसीलिए बहुत ही खुश हूँ और मेरे को एक टाइम मिल गया आपके साथ कनेक्ट होने का वीडियो के थ्रू। तो कैसे लगे आप सभी को सिनेमैटिक शॉट्स? अगर आप सभी को सिनेमैटिक शॉट्स थोड़े से भी अच्छे लगे होंगे तो कमेंट बॉक्स पर थोप लो यार अपने मन की बातें, और आपके मन में जो इस वीडियो के रिलेटेड जो भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में लिख लो, उनका आंसर मैं एक दिन ज़रूर दूंगा। और एक दिन मैं एक Q&A सेक्शन रखने वाला हूँ जिस पर मेरे आज तक की जितने भी वीडियो इस पर जितने भी कमेंट्स आए हैं तो उनके रिलेटिव में एक वीडियो बनाऊँगा। एक और बात जो मेरे सब्सक्राइबर लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं हर वीडियो में कि आजकल पहाड़ों में क्या चल रहा है, तो अपनी दिनचर्या बताओ। तो ये वीडियो आज मेरी पूरी दिनचर्या पर बेस्ड होने वाली है। और उसके बाद सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आजकल पहाड़ों में क्या चल रहा है, तो मैं उन सभी को बता दूं, कुछ दिन पहले तक हमने लवाई मंडाई पूरी कर ली है और अभी भी एक दो खेतों में लवाई मंडाई बाकी है, और आज शाम को भी मैं मंडाई के लिए जा रहा हूँ। तो पार्ट आगे भी मत करना, पहले इस वीडियो को देखो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, ठीक है? तो लवाई मंडाई होने वाली हो रही है और होने वाली भी है पूरी, और जो मैं जिस खेत में मैं हूँ अभी तो वहाँ की दाल को सब घर में ले जाएंगे। और जो आपने देखा था ना चौक घस रखा था हमने, तो उस घर उस चौक में अभी हम इन सारे दालों को कूटेंगे एक दो दिन बाद, तो उसकी वीडियो भी बन जाएगी। और उसके बाद जो हमने खेतों में मंडाई की थी तो उसका जो पराल था उसको बांधेंगे खेतों पर, पेड़ उसको मांडेंगे और पेड़ पर लगाएंगे। तो बस यही सीन है आजकल गाँव का, तो बारिश तो होगी नहीं फिलहाल और मौसम एकदम गर्म हो चुका है। तो देखते हैं, अगर मैं होज में जा सकता हूँ तो होज में भी जाएंगे अभी नहाने के लिए, उसकी वीडियो आप सभी को दिखा दूँगा। तो अभी मैं वापस उसी रास्ते से घर जा रहा हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि आपको खेतों दिखा लिए होंगे। अब घर में जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि होज में जाने की, देखते हैं वहाँ बंदे बच्चे लोग हैं तो अभी उनसे भी आपको आपके साथ मुलाकात करवाऊँगा। तो चलते हैं सीधा पूछी। और तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ, और अभी हम होज में नहाने के लिए जाएंगे क्योंकि अप्रॉक्स मैं एक महीने से होज में नहीं नहाया हूँ, गांव के कोई आते ही नहीं है तो अकेले नहाने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा यार आज पहले जाता हूँ होज के दर्शन करने और वहाँ का हाल चाल देखता हूँ कैसा है, पानी है या नहीं है, उसके बाद गाँव के लड़कों को बुलाऊँगा नहाने के लिए, अपने दोस्त को बुलाऊँगा नहाने के लिए। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ हमारे गांव के गधेरे में, ये हमारे गांव की नहर है जिससे हमारे गांव के खेतों में पानी जाता है। तो रास्ता भी यहाँ एकदम पथरीला और जिसमें बोलते हैं ना अल्ली पल्ली जगह, पूरे कंडाली और झाड़ पात है, गढ़वाली में बोलते हैं ना झाड़ पात, तो वही सीन हो रखा है यहाँ अभी। और आपको एक बार बैक कैमरा से दूर से होज दिखा लेता हूँ एक बार कि कैसी है, पहली वाली वीडियो में तो दिखाई थी। तो ये है हमारे गांव की होज, तो ये है हमारे गांव का गधेरा, और यहाँ से सीधा ऊपर उठते हैं और ये है होज, आप सभी देख सकते हो जूम करके, ये है होज। और अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं पूरा नज़दीक जाके, इसमें पानी है या नहीं है, लग तो रहा है पानी होगा पर एकदम। तो गाइस क्या बताऊँ आपको गांव के गधेरे के पानी की, एकदम पैरों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मानो हम जन्नत में आ गए हो,
हवा में उड़ रहे हैं। तो गाइस पानी में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर लिया है और मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पौधा दिखाई दिया है, सोचा आपको इस वीडियो में बता दूँ। तो चलते हैं सीधा उस पौधे की ओर। तो यहाँ से नीचे उतरता हूँ मैं और ये देखिए गाइस, ये पौधा आपने आज से पहले देखा नहीं होगा अगर आप पहाड़ों में रहते होंगे। इस पौधे का नाम है कोरोना, ठीक है, इस पौधे का नाम बोलते हैं कोरोना, COVID-19 नाम सुना है ना आपने, जिससे आजकल पूरी दुनिया ग्रसित है। तो वही वाला पौधा आप सभी को यहाँ पे दिखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं कोरोना। एक बार इसकी बैक कैमरे से आपको फोटोज दिखा देता हूँ, तो आप एक बार खुद ही डिसाइड कर लो कि इसको कोरोना बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना का वायरस होता है ना उसी के जैसे ये दिखाई देता है। तो इसके लिए हमारे गांव के जो बड़े भाई हैं उन्होंने इसका नाम कोरोना रखा है। तो बैक कैमरे से चलो इसकी वीडियो आप सभी को दिखाता हूँ एक बार। तो गाइज आप सब देख सकते हो इसकी जो इस पर जो इसके इसके मैं पत्तियाँ नहीं बोल सकता हूँ, इस पर जो कांटे नुमा आकृति बनी हुई ना इसकी, और मतलब जिस टाइप से ये बना हुआ है, जिस टाइप से इसकी डिज़ाइनिंग है, वो पूरे एकदम COVID-19 कोरोना की वायरस जैसी लगती है। और ये आप एक बार देख लो, इसकी मैं एक बार फोटेज आपको स्क्रीन पर दिखा लेता हूँ, क्योंकि वीडियो में ये फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा पूरा एकदम। इसको निकालते हैं अभी और हो सकता है ऐसे में दिख जाए। तो हाँ देख लो गाइस, ये पूरा एकदम COVID-19 के जैसे लग रहा है। तो इस पौधे को देखते हुए मुझे दूसरे पौधे की याद आ गई है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा अभी। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते होगे तो आप इस पौधे को आसानी से पहचान लोगे, अगर आप आउट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड होगा इस पौधे को पहचानना। तो इस पौधे का नाम है कंडाली, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिच्छू घास। तो ये है कंडाली, आप सभी को दिख रहा होगा। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ ना मुझे भी चलने की बीमारी लग गई है, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए अलग अलग लोकेशन पर जाना पड़ता है। अगर वो लोकेशन पे परफेक्ट होगा तो वहीं पे तभी वीडियो शूट करूँगा, और नहीं होगा तो नहीं करूँगा उस एरिया पे। तो इसको बोलते हैं वाटरफॉल, सोच सकते हो उसको वाटरफॉल बोलते होंगे। जी हाँ मैं बोलता हूँ इसको वाटरफॉल, ये पानी पीने के लिए होता है। ये जब भी बरसात होती है गांव में तो यहाँ से एकदम झरने की रूप में पानी नीचे बहता है, और ये ऊपर जंगल से नीचे की ओर निकलता है, और इस साइड का पानी जो ये यहाँ पे एक टंकी बना रखी है इसमें पूरा पानी है, पर लेकिन ये पीने के लिए नहीं है क्योंकि इसमें पूरी गंदगी है। इसको हम अपने हाथ मुंह धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर पीना होगा तो। यहाँ पे हम एकदम पंधियारी की तरह एक पत्ता लगाते हैं यहाँ पे, अभी भी लगा होगा, और इससे हाथ में या किसी बोतल को नीचे पर रखते हैं, उससे पानी भरते हैं इसमें, और जब पानी बोतल भर जाएगी 5-10 मिनट बाद उसके बाद इसको पियेंगे। थोड़ा सा मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ, मेरा गला सूख गया बोलते। एकदम जिसको बोलते हैं ना नेक्स्ट लेवल वाटर, तो वही फीलिंग मुझे अभी आ रही है इसको पीने के बाद। आप पियोगे तो लो, पी लो आप थोड़ा सा अगर आपको पीने की इच्छा हो रही है इसको। माध्यम से हमें इतना शुद्ध पानी यहाँ से प्राप्त हो जाता है, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है, इससे अच्छी खुशखबरी पहाड़, इससे अच्छा सुख हमको क्या हो सकता है पहाड़ों में रहने के बाद, जब पूरे सारे संसाधन हमको प्रकृति ने हमको जब हमें सारे संसाधन हमको दे रखे हैं, तो इनका यूज़ हमको ढंग से करना होगा, इनका यूज़ हमें दिमाग लगा कर करना होगा कि इनका सही ढंग से इसका उपभोग कैसे कर सकते हैं हम, जो आने वाली पीढ़ी होगी उनके लिए भी ये सब बचा रहे, और जो अभी हम हैं उसका यूज़ भी हम ढंग से अपनी लिमिट में कर पाए। तो ये सोचने के लिए किसी दिन आपको ब्लॉग बनाऊंगा। फिलहाल इस ब्लॉग में अभी आगे चलते हैं, आगे की कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताएंगे।
तो पुल से घर वापस आने के बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था वीडियो शूट करने का, फ़ोन पर बैटरी भी नहीं थी और बैटरी फ़ोन चार्ज करने के बाद अभी मैं अपने खेत में आ चुका हूँ जहाँ मैं मंडाई करूँगा अपने खेत की। एक छोटा सा खेत था, छूट गया था उस दिन, तो उस खेत की मंडाई नहीं की थी, तो आज उसका कंप्लीट कर घर जाएंगे और घर ही मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। तो अभी मैं मंडाई करूँगा, तो रोज़ रोज़ आपको मंडाई की वीडियो दिखाकर बोर तो नहीं करूँगा। जब भी वीडियो में कुछ यूनिक होगा तो उसी टाइम मैं वीडियो शूट करूँगा और अपलोड करूँगा। तो अभी मैं मंडाई करता हूँ इसकी पूरी, उसके बाद आपसे एक बात करता हूँ और वीडियो को एंड करता हूँ। तो अभी मैं मंडाई करता हूँ।